परीक्षा पे चर्चा जो आज का सेशन था, ये आपके स्टूडेंट्स के लिए एक सरप्राइज था? मेरे स्टूडेंट के लिए सरप्राइज इस तरह से, क्योंकि आज पहला दिन था, कुछ बच्चों के लिए सरप्राइज था, लेकिन क्लास 10 एंड 12 के बच्चे जो नए थे, जो 9th और 11th से 10th एंड 12th में आए हैं, वो भी इंतजार कर रहे थे इस सर की परीक्षा पे चर्चा का। और पिछले क्योंकि 5 साल से ये चल रहा है, तो सब लोग बड़ी उत्सुकता से इसका इंतजार करते हैं, टीचर्स भी इंतजार करते हैं, और मैं भी इंतजार कर रही थी। मैंने नोटिस किया कि सारे टीचर्स सारा काम वगैरह छोड़ कर सबको बोल रहे थे इंपॉर्टेंट है, यहीं बैठो देखो पूरा, और बहुत भाव से देख रहे थे। तो आपके स्कूल में ये एंथुजियाज्म जो मैंने देखा, तो इस एक्साइटमेंट से मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हो गई। वो बच्चों जैसा माहौल मुझे भी लग रहा था कि मैं स्कूल में हूँ और सब देख रहे हैं, इट वॉज़ वेरी नाइस। तो ये ऑर्गेनाइज करना और हर साल करना, आपका आप लोग का क्या प्लानिंग रहता है? नहीं, हम हर साल इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और हम इसको रिकॉर्ड भी करते हैं। वैसे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है आजकल, और हम बच्चों को, जिन बच्चों को अभी हम हॉल में नहीं ला पाए थे, उनको हम लाते हैं और उनको भी हम दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पर। और ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हर वर्ग के हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, और एक विकसित भारत को बनाने के लिए जो नींव मजबूत करनी चाहिए वो उस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, और एज अ पर्सन भी, क्योंकि जीवन ना पूरा परीक्षा ही है एक तरह से, और इनके जितने भी सारे इन्होंने पॉइंट्स टच किए सर ने, वो सभी पॉइंट्स एक आम आदमी के लिए बहुत काम के थे, और एक जो जीवन यात्रा है उसकी, उसको सफल बनाने में बहुत ही असरदार हैं वो। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पोस्ट किया उन पे सोशल मीडिया एडिक्शन के भी बारे में, और पेरेंट्स और टीचर्स भी हम पर अगर स्ट्रेस का दबाव कर रहे हैं, फियर हमारा बढ़ रहा है उनके कारण, तो उसको मोदी जी ने आंसर बड़े अच्छी तरह से किया। आपका क्या टेक है उसमें? मैं क्योंकि पिछले 5 साल से हम मोदी जी को लगातार सुन रहे हैं, और सिर्फ परीक्षा पे चर्चा ही नहीं, उनके हर योजना के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं, अपने आप को जुड़ावा महसूस करते हैं। तो हम अब परीक्षा को ना बिल्कुल भी स्ट्रेस की तरह नहीं लेते हैं, हम स्कूल में भी, और हमारे बच्चे जो हैं वो पहले से ज़्यादा इसको उत्सव की तरह मनाते हैं, परीक्षा को बिल्कुल डरते नहीं हैं। तो त्यौहार, जैसे मोदी जी ने कहा कि त्यौहार है, बिल्कुल पूरी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं 10-15 दिन पहले कि अब एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या करना है कैसे करना है, और बहुत खुशी खुशी बच्चे एग्जाम्स देते हैं। थैंक यू सो मच। और आपका फेवरेट क्या था इन सब में से, जो भी मोदी जी ने आज कहा उनमें से आपको जो सबसे अच्छा यूनिक लगा? मुझे सभी बातें उनकी यूनिक लगी बिल्कुल। मैं तो उनकी जो मन की बात है वो भी मैं सुनती हूँ लगातार, जो परीक्षा पे चर्चा इनके आज 5वां एडिशन था, तो बहुत ध्यान से मैं सुनती हूँ, तो मुझे तो एक एक बात बहुत अच्छी लगी। कोई एक बात आप पूछेंगी तो वो नहीं, सभी बातें बहुत मायने रखती हैं मेरे लिए। दैट इज़ ट्रू। सारे स्टूडेंट्स के पास कुछ एक अपना फेवरेट था, बट मैम ने सही कहा कि सारी बातें उनकी इतनी अच्छी थी कि एवरीथिंग कैन बी टेकन इन आवर लाइव्स आल्सो। हम स्टूडेंट्स नहीं हैं लेकिन हमारे भी काफ़ी बिल्कुल हमारे भी काम की हैं, और अगर इन बातों को ध्यान में रखें तो हम ज़रूर एक दिन जो हमारे सपनों का भारत है उसको हम वापस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।